जैन हमारे सभी एसआई वाले दोस्तों को आज हम आपको एनालिसिस कराने वाले हैं आज डीबीपीएचटी का। सबसे पहले आपको बता दें कि 25 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक आपका डीबीपीएचटी का फर्स्ट फेज है और जो सेकंड फेज है वो 4 मई से 18 मई तक है। तो फर्स्ट फेज पे आज 25 अप्रैल का पहला दिन था। आज कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लग रहे हैं, तो आइए मैं आपको पूरा एनालिसिस कराता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आज कहाँ पे किस सेंटर पे कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए, कितने पास हुए, कितने हाइट पे बाहर हुए, हम एक एक चीज आपको बताएंगे। तो वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो आपको कभी भी किसी से कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा, मैं सारी बातें आपको। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आप वहाँ सेंटर पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो वहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी, उस फाइल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगा होगा। दूसरा, आपका तुरंत आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक किया जाएगा और बायोमेट्रिक करने के बाद आपको डीबी चेकलिस्ट दे दी जाएगी और डीबी चेकलिस्ट में आपको डॉक्यूमेंट का सीरियल किस तरह से लगाना है पूरा एक एक चीज़ उस पर होगा। और एक बार आपके नॉर्मल बेस मार्ट पे चेक कर लेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही लगे हैं कि नहीं लगे। इसके बाद वहाँ से तुरंत आपका, जैसे ही वहाँ से आपका डीबी चेकलिस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत चेस्ट मेजरमेंट के लिए भेज देंगे और चेस्ट मेजरमेंट होने के बाद तुरंत आपको हाइट पे भेज देंगे। हाइट आपकी तीन तरीके से चेक होगी। सबसे पहले जैसे ही आपकी हाइट चेक की जाएगी तो सबसे पहले आपकी नॉर्मल हाइट चेक होगी। अगर नॉर्मल हाइट पे आपको जरा भी डाउट होता है, आप अनफिट हो जाते हैं, तो बगल में आपका कंप्यूटर चेकिंग है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, कंप्यूटर से चेक करा सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप अपनी हाइट को लेजर से चेक करा सकते हैं। लेजर से चेक कराने के बाद आपको बगल में पैनल बैठा होगा, वहाँ पे कहीं कहीं पे 7 लोग बैठे होंगे, कहीं कहीं 6 लोग बैठे होंगे, वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साथ में लेके जाएंगे और एक पूरा सेट लेके जाएंगे। जिस तरह से डीबी चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट लगे होंगे उसी आधार पे आप वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर आप राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड करा के आ रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं भी है तो आप परेशान बिल्कुल ना होइए, आपका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मान्य होगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। कि आप ये सोचें कि मैंने अटेस्टेड नहीं कराया है तो मैं बाहर हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उससे बेफिक्र रहिए, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, सेल्फ अटेस्टेड भी मान्य है। इधर मैं डिग्री, प्रोविजनल मार्कशीट, इन तीनों के बारे में मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा कि आखिर क्या क्या करना है आपको। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर क्या होगा। हाँ, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपको बता दें कि जो आपका डीबी हो रहा है वो दो फेज में हो रहा है। पहला फेज आपका 25, 26, 27, 28 अप्रैल तक है, 4 दिन चलेगा, और जो दूसरा फेज है आपका वो 4 मई से लेकर 18 मई तक है। सबसे इम्पोर्टेंट सूचना, 8 जिलों में आपकी डीबी पीएचटी कराई जा रही है। पहला आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर। सबसे इम्पोर्टेंट, आपका जो डीबी पीएचटी है वो टोटल 8 जिलों में हो रहा है। पहला आपका आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर, इन 8 जगह आपका डीबी पीएचटी कराया जा रहा है। इसके बाद आपको बता देता हूँ कि इन 8ों सेंटर पे आपको कितने कितने बच्चे प्रेजेंट हुए और कितने एब्सेंट हुए, तो वो भी डेटा है पूरा हमारे पास, आइए लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मेरठ पे टोटल 127 लड़के थे जिनमें से 11 एब्सेंट हुए और 9 आपके लड़के फेल रहे। आगरा में 150 जिसमें 9 एब्सेंट रहे और 7 फेल रहे। बरेली पे 150 जिसमें 10 एब्सेंट रहे और 10 फेल रहे। कानपुर में 128 जिसमें 7 एब्सेंट रहे और 3 फेल हुए। लखनऊ में 120 जिसमें 5 एब्सेंट रहे, 4 फेल हुए, 4 तो पूरे हाइट पे ही फेल हो गए लखनऊ पे। प्रयागराज में 150, 9 एब्सेंट रहे और 8 फेल रहे। वाराणसी में 150 जिसमें 12 एब्सेंट रहे और 5 फेल हुए। गोरखपुर में 150 कितने एब्सेंट रहे ये डेटा नहीं मिल पाया, लेकिन 8 फेल हुए हैं यहाँ पे टोटल। जो कुल आपको पास फेल का डाटा है मैं आपको बता दूं, कुल आपको 1125 बच्चों को बुलाया गया था जिसमें से फेल 130 हुए हैं और 995 लड़के पास हुए हैं। अब आपको मैंने जो बताया था सबसे मेन कि आपको डिग्री और मार्कशीट पे क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो मैं आपको लेके चलता हूं उनके पास। सबसे मेन क्या है कि आपके पास अगर 3 साल की मार्कशीट है तो आप वो मार्कशीट लेके जा सकते हैं, साथ में आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो डीजी लॉकर ऐप है उस पर आप डालिए, अपना रोल नंबर डालिए और डीजी लॉकर ऐप से बिल्कुल जैसी डिग्री होती है वैसी ही डिग्री आपकी निकल आएगी और वो डिग्री पूरी तरह से मान्य है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिनके पास भी डिग्री नहीं है तो वो डीजी लॉकर ऐप का इस्तेमाल करें और वहां से आप अपनी डिग्री को डाउनलोड
कर लें, जिससे आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जाएगा। और जिनके पास मार्कशीट है 3 साल की, तो वो लेके जा सकते हैं। और आपको डिग्री अगर निकालनी है, तो आप इस तरह से अपनी डिग्री निकाल के लेके जा सकते हैं। तो ये था आज का डाटा 25 अप्रैल को, कि कितने बच्चे एबसेंट हुए, कितने प्रेजेंट हुए और कितने बच्चे हाइट पे बाहर हुए। हम आपको प्रतिदिन इसी तरह आपको पूरी न्यूज़ देते रहेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और इस तरह से आपने अगर इस वीडियो को देख लिया, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जय हिंद।